आज हम एमए उत्तरार्थ में भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करते हुए पहले के लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए धन निष्कासन की बात करते हैं। धन निष्कासन का अर्थ और धन निष्कासन के प्रकार की चर्चा हम विगत कक्षा में कर चुके हैं। अब आता है कि धन निष्कासन की मात्रा कितनी थी। विद्वानों द्वारा इसका अनुमान विभिन्न रूपों में बताया गया। 1859 में जॉर्ज विनगेट ने इसका अनुमान 1834 से 1851 तक 42,21,611 पौंड प्रतिवर्ष बताया था। 1901 में विलियम डिग्वी ने 1757 से लेकर के 1815 तक इसका कुल अनुमान 1,000 मिलियन पौंड के लगभग बताया कि किस तरह से भारत में धन की निकासी हो रही थी और अंग्रेजी सरकार की वजह से भारत को कितना नुकसान हो रहा था। 1834 के बाद भारतीय तथा अंग्रेज विद्वानों ने धन निर्गम की राशि के बारे में कई विश्वसनीय मूल्य निरूपण किए। 1828 में मार्टिन मोंटगोमरी ने इसका अनुमान 30,000 मिलियन पौंड प्रतिवर्ष की दर से बताया। दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी, आरसी दत्त जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने 1883 से 1892 तक के 10 वर्षों में यह राशि 359 करोड़ रुपए निश्चित की है। 1901 में डी.ई. वत्वा ने 1860 से 1900 तक यह राशि 30 से 40 करोड़ प्रतिवर्ष निर्धारित की, अर्थात भारत से प्रतिवर्ष कितना धन इंग्लैंड की ओर निर्गमन हो रहा था, इसके बारे में आर्थिक इतिहासकारों के द्वारा अध्ययन किया गया और उसको जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विश्वरमैया ने इसका अनुमान केवल 1934 के वर्ष में गृह प्रभार, पेंशन आदि को छोड़कर 121 मिलियन पौंड लगाया। पेवलोन का कथन है कि 1930 के दशक में अंग्रेजों ने केवल कर के रूप में ही 130 से 140 मिलियन पौंड प्रतिवर्ष के हिसाब से भारत से धन प्राप्त किया। यह धन राशि इतनी अधिक थी कि इससे भारत में भिलाई जैसे 3 लोह व इस्पात उद्योग प्रतिवर्ष लगाए जा सकते थे। धन निष्कासन की इस समस्या का विश्लेषण करने के पश्चात सी.एन. वकील इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 1834 से 1924 के वर्षों में यह निर्गमन राशि 394 मिलियन पौंड से 591 मिलियन पौंड तक पहुंच चुकी थी। अर्थात अंग्रेजों ने भारत में प्रतिवर्ष धन इकट्ठा करके इंग्लैंड ले जाने लगे वस्तु के रूप में और अधिक और धन के रूप में सरचार्ज के रूप में और बहुत सारे तरीकों के अपना लिए गए। कर नीतियों का निर्धारण भी अंग्रेजों के पक्ष में रखा गया। भारतीय लोगों को बहुत दिनों तक ठीक से इसका अध्ययन नहीं कर पाए, लेकिन दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त
जैसे विद्वानों के नेतृत्व में अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि भारत से धन का जो निर्गमन हो रहा है उसका प्रभाव अकालों के रूप में पड़ रहा है, और ये देखने में आया कि अकालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और 100 वर्ष में अकालों की संख्या में चौगुनी वृद्धि हो गई। यह भारत के लिए एक बहुत ही दुखद विषय था, लेकिन नीति निर्धारक अंग्रेज थे, इस कारण भारतीयों की स्थिति जहां 17वीं शताब्दी में बर्नियर लिखता है कि भारत एक ऐसा अथाह गड्ढा था जहां धन आकर के एकत्र होता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, वहीं 1835 तक आते आते स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि बहुत से लोग, और 1835 में भारत के आधे लोग भी भरपेट भोजन एक समय नहीं कर पाते थे। भारत लाशों का अंबार होता जा रहा था, इसीलिए भारत की आर्थिक विपन्नता का सीधे सीधे उत्तरदायित्व अंग्रेज नीतियों को दिया जा सकता है।